और अभी हम लोग यहाँ पे आए थे नेवी नगर आगे है, अभी हम लोग अफगान चर्च की तरफ है। डेंजरस इन सेंस मतलब बहुत स्ट्रिक्ट इलाका है, यहाँ पे आप ज्यादा शूट वूट भी नहीं कर सकते हो और यहाँ पे तो ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते। क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खट्टाला वट्टाला है एकदम, आराम से बेटा आराम से। अरे ये मेरे को लगा एकदम साइलेंसर हार्ड लगा है इसका। अजीत भाई तो फुल रेसिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको आज संडे को। रेसिंग कर रहे हैं, चालीस इतनी गाड़ी तेजी से आ रही है, मेरे को तो खुद को डर लग रहा है, इतना नहीं वाला भाई तो तेज से आ रहा है। यहाँ पे देखो पूरा मिलिट्री इलाका है, पिक्चर में नहीं होता ऐसे मसूरे वसूरे सब ऐसे आजू बाजू हो रहे, वैसा मेरे हो रहे अजीत भाई से गाड़ी चला। तो मच्छी का सामग्री जा रहा है सब इसमें। इस बार आपकी गाड़ी कैसी चल रही है? देखो सर्विस सेंटर वाले ने हुआ तो 25,000 लगेगा, हम लोग ने कम से कम 6-7 हज़ार में एकदम, नहीं 4,500 कितना, 4,500 साढ़े चार हज़ार में एकदम मस्त मलाई कर, कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक। अच्छा किसी को ये पता ये क्यों लगता है ये जो भैया लोग लगा रहे हैं? क्योंकि इसको लगाने से ऊपर चूहे नहीं जाते हैं, समझ रहे हो? तो देखो मैक्स को घुमा रहे भाई, और एक कोने में देख रहे हो आप, ये देख रहे हो एकदम मोड़ पे भाई ने गाड़ी लगाया था और किसी ने मतलब एकदम सटा के गाड़ी निकाल दिया, आगे का बोनट ही निकल गया पूरा। ये देखो पूरा गाड़ी का वाट लग गया। तो गाइस अभी हम लोगों ने निकाला हिमालयन, सोचा था गाड़ी से जाएंगे, मैं सोचा ब्लॉक करूँगा गाड़ी से, लेकिन हिमालयन को भी निकालने की ज़रूरत है तो फटाक से मोटर लॉगिंग के सेटअप में मिलते हैं। पहले चलते हैं गाइस, थोड़ा हवा हवा भरा लेते हैं क्योंकि हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखा धूप में बारिश हो गया, वाह नेक्स्ट लेवल। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा रुक के निकलना चाहिए था, देखो धूप में इतना गीला कर दिया ना, अभी इतना सुबह से सूखा था। कोई नहीं, बम्बई की बारिश है भाई, कभी भी कहीं भी हो सकता है। अरे यार आगे का तो एकदम खतरनाक व्यू है, यहाँ धूप है आगे बारिश होने वाली है, कैसा कैसा चलेगा भाई। नहीं देख रहे हो यहाँ पे तो बारिश ही नहीं, अभी कुछ समय बारिश होगी यहाँ पर, उससे पहले हम कल्टी मार लेते हैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ पे भी गीला हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा गीला करके पूरा गीला हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है गाइस, क्योंकि भाई ऐसा बादल छा रहा है ना, ऐसा महसूस हो रहा है कि गलती क्या क्या ला के बाइक, नहीं कुछ नहीं पहुँच जाएंगे तब तक। और भाई ये शेड में आके कुछ मज़ा ही आ जाता है, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ जाता है, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अभी 5-6 किलोमीटर और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बारिश होने वाली है, वहां पर देखो एकदम जबरदस्त बारिश हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं पे शरण लेना पड़ेगा, पर कहीं पे शेड न शेड लेना ही पड़ेगा, कितना जोर से बारिश हो रही है, मैं तो चुटकी में भीग जाऊंगा। और आखिरकार एक टॉप लेना ही पड़ा, बारिश देख रहे हो। और थोड़ा आगे वाले शेड में अगर चला गया ना मैं, तब मजा आ जाएगा। चलो भाई शेड तो मिल गया, अब ऐसे ही जब तक रास्ता है फ्रीवे के नीचे से निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत गीले हो गए लेकिन ठीक है, इसका भी अलग ही स्वाद है। देख रहे हो इतना तेज चला रहा है, ना हॉर्न मार रहा है ना कुछ कर रहा है, क्या ही बोलेंगे फिर इसको। देख रहे हो इतना बारिश में आपको मोटर ब्लॉगिंग करके दिखा रहा हूँ, और आज मैंने निकाल ही ली गाड़ी, मैंने बोला आज निकाल ही लेते भाई, गंदी होगी तो क्या हो गया। और इसके आगे गोप्रो के आगे पानी लग रहा है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए तो लाइक और शेयर है सब्सक्राइब एक एक जरूर मांगता है।
देखो गाइस मस्त लोकेशन मिल गया यहाँ पर, एकदम मस्त इसका वीडियो बना लिया, थोड़ा सिनेमैटिक देख लो आप लोग भी, एक दो तीन। तो देखा गाइस कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, बहुत मेहनत लगी, एकदम छुपा रास्ता है, किसी को पता नहीं है, यहाँ पे देखो कोई है भी नहीं और मैं ही हूँ खाली यहाँ पर। अब वीडियो बना दिया काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे सनसेट भी हो रहा था, एकदम मस्त व्यू था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दें यहाँ। यही वो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, यहाँ पे कोई नहीं आता है भाई, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आना भी निषेध है। अभी हम कैसे कैसे जुगाड़ करके आए हैं यहाँ पर, लेकिन मस्त है ना ऑफ रोडिंग के लिए जगह भी, यहाँ पर ऑफ रोडिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जितना मिला है परमिशन उतना ही देंगे भाई। और जगह देख रहे हो एकदम मस्त खूबसूरत है ना, देख रहे हो अपनी गाड़ी पे कितनी प्यारी लग रही है। वहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग करता लेकिन मुझे काट आटे का डर है, गाड़ी पंचर हो गई तो वाट लग जाएगी, और अभी कोई है भी नहीं यहाँ पर मदद करने के लिए। थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो देख रहे हो थोड़ा डर भी लग रहा है भाई, अब इतना ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते हैं, ज़्यादा पशु पक्षी को तकलीफ नहीं देते हैं। सजेस्ट ऑफ रोडिंग सब मिल गए यहाँ पर, ऑफ रोडिंग देख रहे हो क्या कर रहा हूँ। तो गाइस पैसा वसूल हुआ कि नहीं, मतलब बाइक निकाल लिया अच्छा ही किया, थोड़ा बहुत भीग गया तो क्या हो गया, थोड़ा और भीग जाएंगे, लेकिन जटायु को लेके तो निकले, कम से कम इसका फोटोग्राफी तो हो गया। ऑफ रोडिंग यहाँ पे खड्डा देख रहे हो, ओ वाह टायर है कि मजाक है, यहाँ पे काम किया गया तो टायर का निशान ही आ गया, वाह नेक्स्ट लेवल। वाह 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 वाह, ये सबके लिए तो गाड़ी अपनी बनी है। अनएक्सप्लोर्ड जगह में गाइस ये भी देख लो, मस्त मौसम में गाड़ी निकाला है भाई, कुछ ना कुछ नया देखने मिल रहा है, मौसम भी लाजवाब है, स्काई भी लाजवाब है, ग्रीनरी भी लाजवाब है, सब लाजवाब ही है भाई। हाँ मतलब सही टाइमिंग पे निकला भी है, वाटर क्रॉसिंग मिल गया है, वाटर क्रॉसिंग देखो देखो, ओ वाह 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 वाह। अभी गाइस अपना ड्रोन ही होता तो उड़ा दिया होता, मस्त शॉट आता, लेकिन कोई नहीं आएगा, बहुत जल्दी आएगा ना, ड्रोन ही बनने गया है जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया आपको, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया लेकिन आपको पता नहीं होगा तो वापस बता रहा हूँ, वो बनने गया है, थोड़ा क्रैश हो गया था, उसका लंबा कहानी में बताऊँगा आपको। अभी देखो क्या सीनरी क्या नज़ारा है, इसका मजा लो। ये गाइस जो लोकेशन देख रहे हो आप लोग वो है न्यू कफ परेड, कल गाइस मैं वीडियो एंड करना भूल गया तो ये वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी दूसरा वीडियो भी यहीं से स्टार्ट होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपने अपनों का, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।